करते हैं ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, समझ रहे हैं मेरी बात को, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा होता है सक्सेसिव का नियम। अब बोलोगे सर ए क्या है और बी क्या है, तो मेरे भाई ए जो है ना वो परसेंट के बारे में बताता है। जैसे मानो मैंने कहा कि पहले साल आपके शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई तो एक जगह पे आपको 10 रखना है, दूसरे साल आपके शहर की जनसंख्या 20% बढ़ गई तो आपको बी के स्थान पर कितना रखना है, 20% रखना है। अब आपकी जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ी है, दूसरे साल 20% बढ़ी है, आप यहाँ पर वैल्यू रखिए और देखिए क्या आता है। तो आप बोलेंगे सर एस का मान जो आएगा वो कितना आएगा, ए के स्थान पर 10 रखा, ठीक है, बी के स्थान पर कितना रखा, 20 रखा, और प्लस रखें 10 × 20/100, 10 × 20/100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10 और 20 कितना होता है तो 30 हो जाता है, और प्लस यहां से करोगे तो हमारा आएगा कि ठीक है कितने परसेंट का बढ़त हो गया, तो 32% का बढ़त हो गया, कितने परसेंट का बढ़त हो गया, तो 32% का हमारे पास बढ़त हो गया है।